जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। उस देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम परा विक्रेता। माननीय सदस्य, वो चाय बेचते बेचते हो गया एक एक लाइन है, एक लाइन मत बच देते। जो देश के ऐसे बेच रहा कि नाम परा विक्रेता, वो चाय बेचते बेचते बन गया देश विक्रेता। जागो देशवासियों, जागो, जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार, जय बिहार। इस देश के कुर्सी पर कौन बैठा है वो संसदीय शब्द अध्यक्ष महोदय, और देश के प्रधानमंत्री जी पर ऐसा शब्द बोलना, देश के प्रधानमंत्री जी पर ऐसा शब्द बोलना यह घृणित कार्य है अध्यक्ष महोदय, उसको प्रोसीडिंग मैं उसको दिखलवा लूंगा जी, असंसदीय होगा। नहीं अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री के बारे में शब्द बोल रहे अध्यक्ष महोदय, उसको अध्यक्ष महोदय उसको कार्यवाही से मैं निकलवा दूंगा। अध्यक्ष महोदय उसको कार्यवाही से मैं निकलवा दूंगा, बैठिए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार विधानसभा का बजट सेशन चल रहा है और बजट सेशन जो है वो कहें कि इस पड़ाव पर पहुंच चुका है ये सेशन कि जहां पर विधायक जो हैं वो अपने क्षेत्र के मुद्दे जो हैं वो सदन में उठा रहे हैं। आज जब बोलने की बारी जेडीयू के विधायक मीना कुमारी की आई तो सबसे पहले शुरुआत उन्होंने किया कविता के साथ। कविता और पोएट्री तो विधानसभा में कई विधायक जो है वो कहते रहे हैं, लेकिन आज एक ऐसी कविता है जो कि पीएम नरेंद्र मोदी पर गहरी चोट करती हुई कविता है। मीना कुमारी जैसी खड़ी होती है अपने स्टार्टिंग लाइन में, वो कहती हैं इस देश की कुर्सी पर अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम परा विक्रेता, जो चाय बेचते बेचते बन गया देश विक्रेता। और जैसे ही इस कविता को एक तरह से कहें कि वो स्वाध्याय कर रही थी विधानसभा के अंदर, उसके बाद बीजेपी के तेवर जो हैं वो आक्रामक हो गए और बीजेपी ने बड़ी मांग की इस कविता को लेकर और इस कविता के शब्द को लेकर। तो देखिए क्या कुछ हुआ जैसे ही जेडीयू की विधायक जो हैं वो मीना कुमारी पीएम नरेंद्र मोदी पर कविता जो है वो गा रही हैं, पीएम नरेंद्र मोदी को ठग कहती हैं, उसके बाद का पूरा सिनेरियो जो है वो बिहार विधानसभा के अंदर क्या हुआ वो हम आपको छोड़ जाते हैं। हमारी अपना पक्ष रखें, आपका समय 10 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार ने जो वर्ष 2023-24 के लिए पथ निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के लिए जो बजट का प्रावधान किया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हूँ। महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी को, बिहार के युवा उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को तथा वित्त मंत्री मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आपको और मुख्य सचेतक श्रवण कुमार जी को, जो आज इस सदन में मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मानव शरीर में जो महत्व रक्त संचार का है, वही महत्व सभ्यता एवं जीवन तथा देश और राज्य के प्रगति में सड़क निर्माण का है। आज बढ़ता बिहार न्याय के साथ विकास जो बिहार में हो रहा है उससे विपक्ष भी मुकर नहीं सकती। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार के द्वारा सड़क आधारभूत संरचना के नेटवर्क को सतत सुदृढ़ करने एवं राज्य के किसी भी कोने से अधिकतम 5 घंटे में राजधानी पहुंचाने का लक्ष्य की प्राप्ति आज यह दर्शाती है कि बिहार में पथ निर्माण विभाग कितने
अच्छी तरीके से काम कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आमजन के लिए लोकार्पित किया गया है। उसमें प्रमुख है महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन का लोकार्पण किया गया है। उसमें उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के आवागमन संपर्कता सुगम हुआ है। मुंगेर रेल सह सड़क परियोजना का कार्य पूर्ण कर लोकार्पित किया गया है। जेपी गंगा पथ परियोजना के दीघा से पीएमसीएच तक का लोकार्पण किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार के द्वारा पथ निर्माण विभाग द्वारा 7 निश्चय 2 सुलभ संपर्कता के तहत राज्य में सुगम एवं निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित बनाए रखने के निमित्त राज्य के सभी सड़कों एवं सघन बसावटों से होकर गुजरने वाले मार्गों में आवश्यकता अनुसार बाईपास पथ फ्लाईओवर के निर्माण योजना के तहत 14 बाईपास का निर्माण के लिए 195.38 करोड़ रुपए की लागत राशि से स्वीकृत प्रदान की गई है, जिसमें निविदा की कार्रवाई विभिन्न चरणों में प्रगतिशील है। राज्य के अधीन सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नवाड ऋण संपोषित योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कुल 20 पथों जिसकी लंबाई 259.43 किलोमीटर एवं 718.69 करोड़ से चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण तथा कुल 18 पुल पुलिया का निर्माण 103.42 करोड़ की लागत से स्वीकृति प्रदान की गई है। हमारे बिहार सरकार पंचायती राज में भी अहम भूमिका निभाए हुए हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत क्रियान्वयन हेतु दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति लागू है, जिसमें वार्ड सदस्यों को अनुरक्षण के रूप में चिन्हित किया गया है, जिन्हें 2000 रुपया मानदेय के रूप में तथा प्रति घर 30 रुपया प्रति माह संकल्पित उपभोक्ता शुल्क की आधी राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रावधानित की गई है। साथ ही राज्य योजना मद में 2000 अनुदान मदद से प्रति माह वार्ड राशि उपलब्ध कराई गई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार के माध्यम से पंचायती राज विभाग के अंतर्गत क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से विभागीय संशोधित तथा 57,693 वार्डों में पेयजल आपूर्ति कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष 302 वार्डों में जारी कार्य से पूर्ण कर लिया जाएगा। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामीण गली पक्कीकरण योजना के तहत राज्य में कुल 1,14,507 वार्ड गली नली का निर्माण हो गया है। पंचायती राज के तहत बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें जल जीवन हरियाली, सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, जो हर वार्ड में ब्रेडा के द्वारा 10 से 11 वार्ड में लगेगा सोलर लाइट, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हर गांव को एक शहर की तरह बसाया जाए, उसमें उस ब्रेडा कंपनी को रखरखाव का भी जवाबदेही 5 साल के लिए दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार कला के क्षेत्र में भी युवाओं को बहुत सारे योगदान किए हैं बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। उसमें मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत सभी जिलों के हर प्रखंड में सरकार के द्वारा स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अभी तक 199 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 353 की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी के तहत मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत 23 जिलों में 41 एकलव राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र स्वीकृत है। इसमें से वर्तमान समय में 39 प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। कुल 7 नए केंद्रों की स्वीकृति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय, हम भी मधुबनी जिला से आते हैं और हमारे मिथिला के लिए भी मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी के भवन का निर्माण 2,448.58 लाख की लागत से निर्माण किया जा रहा है। सर्टिफिकेट कोर्स एवं डिग्री कोर्स संचालित है। माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के लिए विभिन्न प्रकार के योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों बच्चियों के लिए
बीपीएससी के पीटी पास करने पर 50,000 रुपया और यूपीएससी पीटी पास करने पर 1,00,000 रुपया उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है, जो अपनी आगे की पढ़ाई वो पूरा कर सके और अपने सपनों को वो साकार कर सके, जिसमें यूपीएससी में 113 और बीपीएससी में 3,394 अभ्यर्थियों ने इसका लाभ उठाया है और वर्ष 2022-23 में 6.50 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग में इस तरह से बहुत सी सारी योजनाएं जो गरीब लोगों को, जो जिसको कोई देखने वाला नहीं था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 सालों में जो सत्ता संभाली है उसमें वो गरीब दबे कुचले वर्गों के लिए जो कदम उठाए हैं वो सराहनीय है। इसमें मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत सहायता योजना, नए आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास की स्थापना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना, बिहार अनुसूचित जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान योजना। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लोगों के लिए जो किया है वो आने वाला समय में बहुत उम्मीद कम किया जा सकता है कि कौन ऐसा मुख्यमंत्री अब होगा जो इस तरह से गरीब लोगों के लिए सोचेगा। वो भीमराव अंबेडकर के कदमों पे चल के वो अपना सपना साकार कर रहे हैं गरीबों के लिए। हमारा पथ निर्माण विभाग के द्वारा कुछ सुझाव है जो हमारे क्षेत्र के अधीन भी है, तेनवाही NH 227 से फुटौना NH 2 लेन जो 15 किलोमीटर चौड़ी करण उसको करवाना है। ये फुटौना मुख्य सड़क है, वो जनहित में अति आवश्यक है महोदय, इसीलिए प्रमुखता पर इसको ले लिया जाए। और एक पथ निर्माण से जब माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले साल गए थे जल संसाधन विभाग के जो 4.5 करोड़ का जो जयनगर में उसका किया था उद्घाटन, तो मुख्यमंत्री महोदय को वहां पर जयनगर में रेलवे घूमती है वहां बस 1 मिनट की दूरी को 2 किलोमीटर घूम के उनको भी जाना पड़ा, तो उस समय वो घोषणा करके आए थे कि जयनगर में बाईपास बनवाएंगे, उसको भी गंभीरता से ले लिया जाए और उसको उस पर भी ध्यान देकर उसको बनवा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, और कला संस्कृति से मेरा एक सुझाव है, जो खाजेडी में 13 वर्षों से स्टेडियम अर्धनिर्मित है उसका सारा काम हो चुका है, हमको लगता है लास्ट स्टेप में है, उसको जल्द से जल्द करवा दिया जाए, यही मैं आपसे आग्रह करूंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक महिला प्रतिनिधि हूँ और बिहार की महिलाएं उन्नति और स्वावलंबन चाहती है, साथ आना शुरुआत होती है, साथ रहने से प्रगति होती है और साथ काम करने से सफलता मिलती है। इसी आशा में मैं इस बजट को समर्थन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर आगे बढ़े। अंत में मैं अपनी बातों को विराम देते हुए विपक्ष के लिए इस पंक्ति को कहना चाहूंगी, जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। उस देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। माननीय सदस्य, वो चाय बेचते बेचते हो गया, एक लाइन माफ भेज देते, जो देश के ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता, वो चाय बेचते बेचते बन गया देश विक्रेता। जागो देशवासियों, जागो, जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार, जय बिहार। माननीय सदस्य श्री भीम कुमार सिंह अपना पक्ष रखें, आपका समय मात्र 5 मिनट। अध्यक्ष महोदय, शांति बनाए रखें, शांति। सरकार द्वारा जो पथ निर्माण विभाग की मांग क्या 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 कहना चाहते हैं, मानिए भीम बाबू, एक मिनट बोलिए। सदस्य ने जो शब्द का इस्तेमाल किया है कि इस देश के कुर्सी पर कौन बैठा है वो संसदीय शब्द है अध्यक्ष महोदय, और देश के प्रधानमंत्री जी पर ऐसा शब्द बोलना
देश के प्रधानमंत्री जी पर ऐसा शब्द बोलना यह घृणित कार्य है अध्यक्ष महोदय, उसको प्रोसीडिंग मैं उसको दिखलवा लूंगा जी। असंसदीय होगा नहीं अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री के बारे में शब्द बोलना अध्यक्ष महोदय, उसको अध्यक्ष महोदय उसको कार्यवाही से मैं निकलवा दूंगा अध्यक्ष महोदय, उसको कार्यवाही से मैं निकलवा दूंगा। बैठिए, मैंने कहा कि कार्यवाही से निकलवा दूंगा। अब इतना समय आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैंने कहा कि आपने सूचना दिया, मैं देख लूंगा और उसको कार्यवाही से निकलवा दूंगा। बैठिए बैठिए, अब बैठिए। तो माननीय भीम कुमार सिंह जी अपना पक्ष रखें। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा जो पथ निर्माण विभाग की मांग प्रस्तुत की गई है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, आपका ध्यान मैं औरंगाबाद जिला के गोह विधानसभा के क्षेत्र की तरफ आकृष्ट कराते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ। हसपुरा बाईपास का डीपीआर पथ निर्माण विभाग द्वारा बनवाने के बावजूद अभी हसपुरा बाईपास नहीं बन सका महोदय, जिसके कारण हसपुरा बाजार में जाम की गंभीर समस्या लगी रहती है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हसपुरा बाईपास को जितना शीघ्र हो बनवाने का कृपा करें।